Subscribe to the Indian Reporter and press the bell icon. आज हम सोमनाथ चटर्जी के बारे में, जो पेशे से पॉलिटिशियन हैं, उनका जन्म 25 जुलाई 1929 को हुआ था। उनका पालन पोषण तेजपुर असम में हुआ था। उनके पिता का नाम निर्मल चंद्र चटर्जी है, जो कि पेशे से लॉयर थे। उनकी माँ का नाम बीना पनी देवी है। उनकी पत्नी का नाम रेणु चटर्जी है। उनके बेटे का नाम प्रताप चटर्जी है, जो कि पेशे से एक लॉयर है। उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम अनुशला और अनुराधा है। अगली स्लाइड में देखिए उनके सिग्नेचर। अगली स्लाइड में जानेंगे उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने जीजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मास्टर इन लॉ की डिग्री हासिल की। तो चलिए अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में। उनके पिता ब्रिटिश भारत में एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी और वो एक बार उस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कलकत्ता हाई कोर्ट में एक लॉयर के रूप में की। उसके बाद वो राजनीति में शामिल हो गए और वर्ष 1968 में उन्होंने CPI को ज्वाइन कर लिया। वर्ष 1971 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें इंटरिम इलेक्शंस में चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया गया। वर्ष 1989 से 2004 तक वो 15 साल तक अपनी पार्टी के नेता रहे। वर्ष 2004 में चुनाव जीतने के बाद वह 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। वर्ष 2008 में उन्हें पार्टी की नैतिकता से समझौता करने के आधार पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। जुलाई 2008 में उनकी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और इसी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से निष्कासित कर दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो दिन उनके जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक था। 13 अगस्त 2018 को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।